7 अक्टूबर 2023 के बाद जब इजरायली फौज ने हमास का सफाया करने के लिए गाजा पर जमीनी हमला किया तो उस वक्त लेबनान का हिजबुल्ला उसकी ढाल बनकर सामने आया था और तब से लेकर अब तक हिजबुल्ला लगातार इजरायल पर हमले कर रहा है ताकि आईडीएफ का ध्यान गाजा से हट जाए और हमास को संभलने का मौका मिले। लेकिन अब आईडीएफ का पूरा फोकस हिजबुल्ला को खत्म करने पर है और यही वजह है कि इजरायली सैनिक लेबनान में घुस चुके हैं। लेकिन अब हमास हिजबुल्ला को बचाने के लिए फिर से उठ खड़ा हुआ है और वो लगातार गाजा के भीतर आईडीएफ के ऊपर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है और इसी कड़ी में अब अल कासिम ब्रिगेड ने दक्षिणी रफा में आईडीएफ पर एक बहुत बड़ा हमला किया। अल कासिम का कहना है कि उसने आईडीएफ के काफिले के आगे बारूद बिछा दिया और जब आईडीएफ वहां से निकली तो एक के बाद एक ये बम फटने लगे जिसमें आईडीएफ को भारी नुकसान हुआ है। इसके अलावा अल कासिम ब्रिगेड ने 13 अक्टूबर का एक वीडियो जारी किया है। ये वीडियो पूर्वी जबालिया कैंप का है जहां पर आईडीएफ के सैनिक एक घर के भीतर छिपे हुए थे और अल कासिम के लड़ाकों ने इस घर के ऊपर ही टीबीजी गोलों से हमला कर दिया। अल कासिम के इस वीडियो में साफ दिख रहा है कि कैसे आईडीएफ के जवान पहले तो घर में घुस रहे हैं और उसी दौरान उनके ऊपर गोले फायर कर दिए जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ 15 अक्टूबर को जब अल कासिम ब्रिगेड आईडीएफ को निशाना बना रही थी तो उसी वक्त अल कुस ब्रिगेड भी केंद्रीय जबालिया में आईडीएफ पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा था। अल कुस का कहना है कि उसने उमल मुमीनिन आयशा मस्जिद के पास आईडीएफ के एक मेरकावा टैंक पर हमला किया और इसके बाद पूर्वी जबालिया कैंप में आईडीएफ के जवानों की पोजीशंस पर 60 mm के मोर्टार गोले भी दागे हैं। इसके अलावा अल कासिम ब्रिगेड ने एक वीडियो भी जारी किया है जिसमें दूर खड़े आईडीएफ के कुछ सैन्य वाहन नजर आ रहे हैं और इन वाहनों पर अल कासिम के लड़ाके एक एक करके हमले शुरू कर देते हैं। और इसके बाद रात के अंधेरे में भी आईडीएफ की गाड़ियों में बहुत भयंकर हमले होते हैं जिनमें जोरदार ब्लास्ट होता दिख रहा है और जब अलक्सा ब्रिगेड आईडीएफ पर हमले कर रही होती है तो उसी दौरान पूर्वी रफा के सलाम नेबरहुड इलाके में अल कासिम फोर्स के लड़ाके एक मेरकावा टैंक को निशाना बनाते हैं। अल कासिम फोर्स के लड़ाके इस टैंक पर एक आईईडी विस्फोट से हमला करते हैं और इसके बाद टैंक के ऊपर एंटी आर्मर मिसाइल और ऑटोमेटिक राइफल से हमला किया जाता है। वहीं इस सब के बीच इजरायली फौज को वेस्ट बैंक के जेनिन शहर में भी तगड़ा झटका लगा है। वेस्ट बैंक, जेनिन, नबलुस और रामल्ला में इजरायली फौज छापेमारी कर रही थी लेकिन जेनिन के भीतर से आईडीएफ के जवानों को पीछे हटना पड़ा क्योंकि जेनिन ब्रिगेड ने आईडीएफ के जवानों पर ताबड़तोड़ हमले कर दिए और इस भिड़ंत में आईडीएफ के ऊपर कई आईईडी विस्फोटकों से हमला हुआ है जिनमें कई इजरायली सैनिकों के मारे जाने की खबर है। वहीं अलक्सा ब्रिगेड का कहना है कि उसने एक अंडरकवर इजरायली फोर्स के ऊपर हमला किया है जो जेनिन कैंप में घुसी थी और 16 अक्टूबर 2024 के तड़के आईडीएफ के जवान तुलकारम दुरा अल मजरा अल कबीलिया में घुसे थे लेकिन अस्कर रिफ्यूजी कैंप में अलक्सा ब्रिगेड के लड़ाकों ने आईडीएफ के ऊपर ऑटोमेटिक हथियारों और विस्फोटकों से हमला कर दिया जिसमें आईडीएफ को भारी नुकसान होने का दावा किया गया है।